नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने कल की क्लास में स्लॉग के बेसिक्स सीखे थे, तो आज हम लोग स्लॉग्स के बेसिक्स के बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी स्लॉग्स में बेसिक चीज़ें आपने सीखी होंगी कल की क्लास में, आज हम उसको थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन है अपने पास, कुछ फूल लाल होते हैं सभी गुलाब फूल होते हैं, एंड इसमें कुछ कॉन्क्लूजन होंगे अपने पास। चार कॉन्क्लूजन हमें दिए गए हैं। इसमें पहला कॉन्क्लूजन है, कुछ गुलाब लाल होते हैं, सेकंड है अपना कुछ लाल वस्तु में कुछ लाल वस्तु में फूल होती हैं, एंड थर्ड है अपना कुछ फूल गुलाब, एंड लास्ट वन है अपना सभी गुलाब लाल। तो कुछ इस तरीके का अपने पास क्वेश्चन रहता है, जैसे हमें दिया गया है इसमें कुछ फूल लाल होते हैं एंड सभी गुलाब फूल होते हैं। ये क्या है, अपने दोनों कथन दे दिए गए और इन कथन के आधार पर हमें चार निष्कर्ष। तो सबसे पहले, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कथन का वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ बोला गया कुछ फूल लाल होते हैं, तो जैसे हमने बनाया यहाँ पे, ये पोर्शन हमने बना दिया फूल। अब कुछ फूल क्या है, लाल होते हैं, तो हमने इसमें कुछ पोर्शन ले लिया फूल से और उस पोर्शन को क्या कर दिया, लाल कर दिया। कुछ फूल क्या हो गया अपने, लाल। फिर हमसे बोला गया सभी गुलाब फूल होते हैं, तो सभी गुलाब क्या होते हैं, फूल होते हैं, तो फूल के अंदर हमने क्या कर दिया, गुलाब को। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो गुलाब है ये किसी भी तरीके से लाल से टच ना हो जाए, क्योंकि वेन डायग्राम हमने कल आपको बताया था कैसा बनाना है, लीस्ट टचिंग, यानी कि कम से कम छूता हो। तो जब हम इसको देखेंगे, ये तो बन गया अपना वेन डायग्राम। अब हम कॉन्क्लूजन पे बात करें, तो अपन ने पहला कॉन्क्लूजन देखा, हमने कुछ गुलाब लाल होते, तो हमने इसमें देखा गुलाब वाला पोर्शन कहाँ पर है, इस साइड में है, और लाल वाला पोर्शन कहाँ है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी टच कर रहे, तो देखने पर हमें मिला कहीं पर भी टच नहीं कर रहे। जब नहीं टच कर रहे तो कुछ गुलाब लाल होते, ये बात कैसी हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो अपना ये पहला कॉन्क्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि गुलाब और लाल एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं कर रहे। अब हम देखेंगे सेकंड वन। सेकंड वन क्या कह रहा है, कुछ लाल वस्तुएं फूल होती, कुछ लाल वस्तुएं क्या होती, फूल होती। तो ये जो इसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये पोर्शन क्या बता रहा है कि यही पोर्शन फूल भी है और यही पोर्शन क्या है अपना, लाल भी। तो हम ये कह सकते हैं कुछ लाल वस्तुएं कैसी होती हैं, फूल होती है, तो दूसरा कॉन्क्लूजन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जब हम थर्ड वाला चेक करेंगे तो क्या होगा, कुछ फूल गुलाब होते हैं। अब इसमें क्या दिया, कुछ फूल गुलाब होते हैं, तो फूल कहाँ है, यहाँ है, गुलाब कहाँ है, यहाँ है। अभी जो गुलाब वाला हिस्सा है ये क्या है, ये अपने आप में फूल भी रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो हिस्सा है ये फूल भी होगा और गुलाब भी होगा। जब ये हिस्सा दोनों ही होगा तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ फूल गुलाब होते हैं, ये बात क्या होगी अपनी, बिल्कुल सही हो जाएगी। अब अगर हम लास्ट वाले को देखें, सभी गुलाब कैसे होते हैं, लाल होते हैं। अब गुलाब कहाँ पे था, यहाँ था, लाल कहाँ पे था, यहाँ पे था, तो गुलाब और लाल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, कहीं पर भी नहीं छू रहे। जब कहीं पर भी नहीं छू रहे तो ये बात क्या हो जाएगी, पूर्णता असत्य हो जाएगी, और ये भी निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि निष्कर्ष बी और सी क्या होगा, सही होगा। यानी कि आंसर जब हम लोग देंगे तो क्या देंगे, बोथ बी एंड सी फॉलो। तो देखो हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, बोथ बी है सी फॉलो। अब हम लोग देखते हैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी है अपने पास, देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास वो है, सभी अधिवक्ता बहुमुखी होते हैं, सभी
अधिवक्ता बहिर्मुखी होते। इसी में एक कथन और दिया गया है, कुछ बुद्धिमान लोग बहिर्मुखी होते हैं। अब निष्कर्ष भी हमें चार निष्कर्ष दिए गए हैं, इसमें फिर से चार कंक्लूजन दिए गए हैं। फर्स्ट वन अपना है, सभी अधिवक्ता बुद्धिमान है। सेकंड वन दिया गया है, सभी बुद्धिमान अधिवक्ता है। थर्ड कंक्लूजन दिया गया है, कुछ बहिर्मुखी बुद्धिमान है। एंड लास्ट वन दिया गया है, सभी बहिर्मुखी अधिवक्ता। तो जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था, सेम इसी टाइप से उसमें भी कथन दिए गए थे और हमें कुछ निष्कर्ष दिए गए। तो सबसे पहला काम उसमें क्या है, कथनों को वेन डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो हम इसको देखा, हमने क्या है, सभी अधिवक्ता बहिर्मुखी है। तो हमने क्या किया, एक सर्किल बनाया और ये सर्किल क्या लिख दी, सर्किल क्या है अपना अधिवक्ता। सभी अधिवक्ता क्या है, बहिर्मुखी है। तो सभी अधिवक्ता को हमने अंदर कर दिया और बहिर्मुखी को कहां कर दिया, आउटर साइड में। दूसरा क्या है, कुछ बुद्धिमान लोग बहिर्मुखी। तो कुछ बुद्धिमान लोग क्या है, बहिर्मुखी। तो बुद्धिमान लोगों को किससे जोड़ दिया हमने, बहिर्मुखी। अब अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला निष्कर्ष अपना क्या है, सभी अधिवक्ता बुद्धिमान। तो हमने इसमें देखा भाई, अधिवक्ता कहां पर है, यहां पर है, और बुद्धिमान कहां पर है, यहां पर है। क्या दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे, दोनों कहीं पर भी टच नहीं कर रहे। जब कहीं पर भी टच नहीं कर रहे तो ये हम नहीं बोल सकते कि सभी अधिवक्ता क्या है, बुद्धिमान। तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ अपना, पहला कंक्लूजन अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब अगर हम दूसरे की बात करें, सभी बुद्धिमान अधिवक्ता, तो बुद्धिमान इस तरफ है, अधिवक्ता इस तरफ है, अब भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जब टच नहीं कर रहे तो जैसे पहला वाला गलत हुआ था, सेम उसी प्रकार से क्या होगा अपना, दूसरा वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब तीसरा क्या दिया गया, कुछ बहिर्मुखी बुद्धिमान। तो अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, हाईलाइटेड पोर्शन को, तो ये हमें क्या बता रहा, ये पोर्शन बहिर्मुखी भी है और बुद्धिमान भी है। जब दोनों है, ये वाला हाइलाइटेड पोर्शन बहिर्मुखी भी है और बुद्धिमान भी है, तो हम क्या कहेंगे, कुछ बहिर्मुखी बुद्धिमान है। ये बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। और लास्ट पर हमें क्या दिया गया, सभी बहिर्मुखी अधिवक्ता है। तो अगर बहिर्मुखी हम देखें कहां, ये बड़ा वाला पोर्शन है, ये बाहर वाला, ये पूरा क्वेश्चन क्या है, बहिर्मुखी का। साथ ही साथ ही अंदर वाला क्वेश्चन भी इसमें क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी का हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होगा ये ओवरलैप क्वेश्चन होगा। ये क्या होगा आपका, अधिवक्ता भी होगा और साथ ही साथ आपको क्या होगा, बहिर्मुखी भी होगा अंदर वाला। तो इन्होंने क्या बोला, सभी बहिर्मुखी अधिवक्ता, तो ये बात तो गलत हुई। जो बाहर वाले बहिर्मुखी है ये तो अधिवक्ता है, तो ये बात क्या हो गई, गलत होगी। लेकिन यदि इसका अपोजिट बोल दिया जाता कि सभी अधिवक्ता बहिर्मुखी, तो ये बात क्या होती, बिल्कुल सही होती, क्योंकि बहिर्मुखी के अंतर्गत अधिवक्ता आया, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम फाइनल आंसर क्या देंगे, ओनली सी फॉर, केवल तीसरा निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब जो अपने पास एक थर्ड क्वेश्चन है,
कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। इसी में कथन एक और, सभी शिक्षक मेहनती हैं। और अपना जो कंक्लूजन है, चार कंक्लूजन दिए गए हैं। पहला कंक्लूजन है अपना, सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं। सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं। दूसरा क्या होगा अपना, सभी शिक्षक महिलाएं। थर्ड कथन, कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं। और लास्ट है अपना, कुछ महिलाएं मेहनती। तो देखो भाई, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं, हमने यहां पे बनाया महिलाएं। अब कुछ महिलाएं क्या है, अपने शिक्षक हैं, जिसमें से हमने कुछ पार्ट उठा लिया महिलाओं का और उन्हें बना दिया शिक्षक। फिर हमसे बोला गया सभी शिक्षक कैसे हैं, मेहनती हैं, तो सारी के सारे शिक्षक को हमने क्या बना दिया, मेहनती। अब हमसे बोला गया पहला कंक्लूजन क्या है, सभी मेहनती लोग शिक्षक। तो मेहनती कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं। अगर हम देखें शिक्षक तो केवल इतना पार्ट है जितना मैंने अभी हाईलाइट किया है, गाया पार्ट तो है नहीं, तो सभी मेहनती कैसे शिक्षक होते भाई। जो बाहर वाला पार्ट बच रहा है, ये मेहनती तो होगा लेकिन ये शिक्षक नहीं होगा, तो सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं ये तो नहीं बोल सकते। तो पहला क्या होगा अपना, रॉन्ग हुआ। अब हम अगर दूसरे की बात करें, सभी शिक्षक महिलाएं नहीं है, तो सभी शिक्षक महिलाएं नहीं है। पहली चीज तो क्या है, इस तरफ वाली जो महिलाएं होंगी, इस पोर्शन वाली अब ये जो पोर्शन इसको मैंने अब हाईलाइट किया है, इस पोर्शन की जो महिलाएं हैं ये तो शिक्षक नहीं है, केवल और केवल इतनी महिलाएं शिक्षक है। तो हम सभी शिक्षकों को महिलाएं नहीं बना सकते, तो ये भी कहूँगा गलत। और एक दूसरा तरीका भी हम लोग सोच सकते हैं। दूसरा तरीका हम लोग क्या सोच सकते हैं, इसमें क्या है, सारे गोले एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें है, पॉजिटिव में मतलब सकारात्मक में है। जब सारे कथन सकारात्मक में है तो कोई भी निष्कर्ष नकारात्मक नहीं हो सकता, जबकि निष्कर्ष में अपने में क्या आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, नकारात्मक हो जाएगा, तो ये यहाँ से भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो शॉर्टकट क्या होगा अपने पास, अगर सारे स्टेटमेंट जो है अपने पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आंसर नहीं आ सकता। अब थर्ड वन की बात करें, कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं। अब कुछ मेहनती शिक्षक क्या है, महिलाएं। अब मेहनती शिक्षक का मतलब क्या हुआ, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन हुआ हाईलाइटेड, ये क्या होगा, मेहनती भी होगा, शिक्षक भी होगा और महिलाएं भी। क्योंकि इस पोर्शन में अगर हम देखें तो महिलाएं भी आ रही हैं, शिक्षक भी आ रहा है, और शिक्षक को ओवरलैप किया था मेहनती में तो मेहनती भी आ रहा। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं, ये बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट वन अपना क्या है, कुछ महिलाएं मेहनती हैं। फिर से वही बात आ गई, ये ओवरलैप वाला पोर्शन है, ये महिलाएं भी होगा, शिक्षक भी होगा और मेहनती भी होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं क्या है, मेहनती। ये दोनों ही चीजें क्या होंगी अपनी, सही। जो हम लोग आंसर देंगे वो क्या देंगे, सी एंड डी फॉलो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अब जो अपना फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, सभी स्तनधारी, सभी स्तनधारी उष्ण रक्तीय पशु है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोई भी छह
छिपकली, कोई भी छिपकली उष्ण रखती है, जंतु नहीं। और कंक्लूजन क्या है अपने पास? पहला कंक्लूजन है अपने पास, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट वन है अपने पास, कुछ छिपकली स्तनधारी है। थर्ड कंक्लूजन है अपना, कोई भी उष्ण रखती है, जंतु छिपकली नहीं। और फोर्थ कंक्लूजन है अपना, सभी उष्ण रखती है, सभी उष्ण रखती है, जंतु स्तनधारी है। तो ये तो हुआ अपना क्वेश्चन। अब सबसे पहले वही काम हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे? सभी स्तनधारी उष्ण रखती है पशु, तो हमने यहाँ पे बनाया, ये जो सर्कल बनाया इसको हमने क्या बना लिया, स्तनधारी। सभी स्तनधारी कैसे है? उष्ण रखती है पशु, तो सारी के सारे स्तनधारी कैसे हो गए? उष्ण रखती है पशु। फिर बोला गया कोई भी छिपकली उष्ण रखती जंतु नहीं, उष्ण रखती जंतु कौन नहीं है? छिपकली नहीं है। एक सर्कल हमने और बना दिया यहाँ पे छिपकली का। अब निष्कर्ष पे आए, तो पहला निष्कर्ष क्या था अपना, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है। तो कोई छिपकली क्या नहीं है? स्तनधारी नहीं है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखें निगेटिव रिलेशन हमें दिया है किससे, कोई भी उष्ण रखती है पशु जो है वो छिपकली नहीं है, और उष्ण रखती पशु के अंदर कौन रहता है? स्तनधारी रहता है। जब बाहर वाले से निगेटिव रिलेशन है तो अंदर वाले से निगेटिव रिलेशन अपने आप मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर इनसे निगेटिव रिलेशन है तो स्तनधारी से अपने आप निगेटिव रिलेशन मान लिया जाएगा। तो क्या होगा, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है, ये बात क्या होगी अपनी? बिल्कुल सही, क्योंकि पशु उष्ण रखती है पशु और छिपकली के बीच में कैसा रिलेशन है? निगेटिव रिलेशन है। तो उष्ण रखती है पशु के अंदर जितनी चीजें आएंगी उन सबसे छिपकली का कैसा रिलेशन होगा? निगेटिव रिलेशन होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, निगेटिव हो जाएगा। तो हम क्या कहें, कोई छिपकली स्तनधारी नहीं है, ये क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। दूसरा में क्या बोला गया, कुछ छिपकली स्तनधारी। अब छिपकली कहाँ पर है? यहाँ पर है। स्तनधारी कहाँ पर है? यहाँ पर है। जब इनसे ऑलरेडी हमारा निगेटिव रिलेशन है तो हम पॉजिटिव कंक्लूजन कैसे सही कर सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा अपना, गलत हो जाएगा। कुछ छिपकली स्तनधारी ये पॉजिटिव है, जबकि कथन हमें क्या बता रहा है, निगेटिव बता रहा है। तो हम निगेटिव से पॉजिटिव सही नहीं कर सकते। तीसरा में क्या दिया गया, कोई भी उष्ण रक्तीय जंतु छिपकली नहीं है। तो उष्ण रक्तीय जंतु क्या नहीं है? छिपकली नहीं है। ये तो क्या है, रिस्टेटमेंट फॉलो हो गया। हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि रिस्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, सत्य होता है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी उष्ण रक्तीय जंतु छिपकली नहीं है। यही बात हम फिगर में भी दिखाई दे, ये वाला पोर्शन ये क्या नहीं है, छिपकली है। लास्ट क्या अपना, सभी उष्ण रक्तीय जंतु स्तनधारी। तो अगर हम इसकी बात करें, सभी उष्ण रक्तीय जंतु कितना है, पूरा बड़ा वाला पोर्शन जो ये है, ये क्या है अपना, उष्ण रक्तीय जंतु है, जबकि स्तनधारी क्या है अपना, छोटा वाला पोर्शन है। तो अगर हम ये कहते हैं कि सभी उष्ण रक्तीय जंतु स्तनधारी, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो बचा हुआ बाहर का पोर्शन है ये कभी भी स्तन, ये जो स्तनधारी वाला पोर्शन है उष्ण रक्तीय नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसका अपोजिट बोला जाए, सभी स्तनधारी क्या है, उष्ण रक्तीय पशु, तो ये बात क्या होगी, सही हो जाएगी। लेकिन ये पोर्शन छोटा है तो हमें, और जबकि उष्ण रक्तीय पशु क्या है, बड़ा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सभी उष्ण रक्तीय जंतु स्तनधारी, ये क्या होगा, गलत। तो आंसर अपना क्या जाएगा,
फर्स्ट एंड थर्ड फॉर्म। देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ पेंसिल पत्थर है, कुछ पेंसिल पत्थर है, सभी पत्थर बसे हैं, कुछ बसे हैं, ट्रक है, कॉन्क्लूजन दिए गए हैं इसमें, कुछ ट्रक पेंसिल है, सेकंड वन है अपना सभी पत्थर बसे हैं, और थर्ड वन है अपना कुछ बसे हैं। कुछ बसे कुछ बसे पेंसिल है, कुछ बसे पेंसिल है, और एक और है अपना कोई ट्रक, पेंसिल नहीं। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को हम फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कथन का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ पेंसिल पत्थर, तो ये जो हमने सर्किल बनाया है सर्किल किसका हो गया अपना पेंसिल का। अब कुछ पेंसिल क्या है, पत्थर है, कुछ के लिए हम थोड़ा सा टच कर देंगे इसको, कुछ पेंसिल पत्थर। फिर क्या है, सभी पत्थर क्या है बसे हैं, तो पूरा का पूरा पत्थर हम इसमें ले लेंगे, बस के अंदर ले लेंगे, सभी पत्थर बसे हैं। फिर बोला गया कुछ बसे ट्रक, कुछ बस क्या है ट्रक, ठीक। अब अगर हमसे बोला गया है निष्कर्ष क्या है, कुछ ट्रक पेंसिल, तो ट्रक और पेंसिल, ट्रक इस साइड है पेंसिल इस साइड है, आपस में एक दूसरे को नहीं छू रहे, तो अभी हम इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कैसी सिचुएशन है, कांट से सिचुएशन, मतलब इनके बारे में अभी हम ट्रक और पेंसिल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते, तो इसको भी हम क्या करेंगे गलत मानते हुए चलेंगे, तो ये कांट से सिचुएशन है। फिर हमसे बोला गया सभी पत्थर बसे, सभी पत्थर क्या है बसे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, सारे के सारे पत्थर कहाँ है बस के अंदर है, तो दूसरा क्या है सही हो जाएगा। और वैसे भी ये क्या है कथन में भी दिया था, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कभी भी रीस्टेटमेंट आ जाए तो हमेशा कैसा होता है सत्य होता है, तो रीस्टेटमेंट की वजह से ये क्या होगा सत्य हो जाएगा। थर्ड क्या है अपना कुछ बसे पेंसिल, तो अगर हम देखें कुछ बसे पेंसिल, तो ये वाला हिस्सा क्या बताता है, ये वाला हिस्सा बताता है कि मैं पेंसिल हूँ, पत्थर भी है और बस भी है, तो हम क्या कह सकते हैं कुछ बसे पेंसिल है, कुछ बसे पेंसिल है, ये बात क्या हो जाएगी बिल्कुल सही हो जाएगी। अब यदि यहाँ देखा जाए कोई ट्रक पेंसिल नहीं है, तो फिर से वही बात है ट्रक और पेंसिल के बीच क्या है कांट से सिचुएशन, तो इंडिविजुअली तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं गलत कह सकते हैं, लेकिन जब भी दो कांट से की सिचुएशन मिल जाए दोनों में क्या हो एक पॉजिटिव हो, जैसे इन्होंने क्या बताया कुछ ट्रक पेंसिल, मतलब सकारात्मक बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार इन्होंने क्या कहा कोई ट्रक पेंसिल नहीं है, तो एक बार इन्होंने नकारात्मक बात करी, तो एक चीज होती है स्लॉग में अपनी कंप्लीमेंट्री पेयर, कंप्लीमेंट्री पेयर यानी कि पूरक जोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं या तो पहला या तो दूसरा एक्टिव मिशन, तो उसमें क्या होता ट्रक ट्रक हमें मिल गया, पेंसिल पेंसिल हमें मिल गया, ठीक। यानी कि इसको बोलते हैं सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट, अगर सब्जेक्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट प्रेडिकेट क्या हो समान हो, साथ में एक निष्कर्ष कैसा हो पॉजिटिव हो और एक कैसा हो निगेटिव हो, जैसे इसमें कहा था ये पॉजिटिव है कुछ ट्रक कैसे हैं पेंसिल है, लेकिन इसमें क्या कहा कोई ट्रक पेंसिल नहीं है, तो एक कैसा हो गया अपना निगेटिव हो गया, और इनके बीच में क्या प्रीफिक्स मिल रहा है हमें, एक बार हमें मिला कुछ और दूसरी बार हमें क्या मिला कोई नहीं, कोई नहीं,
जब भी हमें ये तीनों कंडीशन मिल जाए कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट कैसे हो, सेम हो, एक निष्कर्ष अपना पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो और इनके बीच में क्या प्रीफिक्स मिले हमें कुछ या कोई, तो अपना आंसर किस में जाएगा या को। तो हम आंसर क्या देंगे, या को पहला या को चौथा तथा दूसरा तीसरा सत्य होगा, सत्य हो। ठीक है मित्रों, आज हमने देखे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस सिलॉक्स के, और जो कि अपनी पूर्व परीक्षाओं में आए हुए यूजीसी नेट के पुराने पेपर्स के ही क्वेश्चंस थे सारे। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें और भी देखें, जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या किसी भी तरीके का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।